मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद मुर्शिद किधर गया? चाइना बॉर्डर का जो रिकॉर्ड कायम किया उसके लिए ऑफकोर्स बहुत ज्यादा मेहनत जो है ना रिकॉर्ड होती है। बचपन से शौक था, मेरा शौक जो है ना मेरे जुनून में तब्दील हो गया। अनलिमिटेड मेहनत करनी पड़ी। हमारा जो है ना स्केटिंग पे एक मुनफरिद जो है ना रिकॉर्ड है। चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद बहुत कम वक्त में हम पहुंचे हैं। ये तो बिल्कुल हमारे तर्ज पे एक नया रिकॉर्ड है स्केटिंग में। आठवां अजूबा है कराकरम हाईवे पे KKH में हमने जो स्केटिंग की है। इंटरनेशनल मुकाबलों में अगर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें तो ये हमारे लिए जो है ना पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। 14 मिलियन की मेरी एक वीडियो थी इस्लामाबाद से लाहौर, जो कि मैंने खुद डिलीट की। वायरल होने के बाद जो जिंदगी मुश्किल होती है, आपकी पब्लिक मकामात में जाना बंद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करानी है पाकिस्तान की एक ऐसे नौजवान से जो कि खुंजराब पास से स्केटिंग करते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं और ये इनका शौक इस कदर ज्यादा है कि ये इस वक्त भी स्केटिंग कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं मोहम्मद बिलाल अखुंजादा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ये इतना शौक के यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करी जा रहे हैं? हाँ, बस मैं तो ये बचपन से शौक था और मेरा शौक जो है ना मेरे जुनून में तब्दील हो गया, तो मुझे हर जगह स्केटिंग करने का शौक है। मतलब खुंजराब पास से इस्लामाबाद तक आप इसी तरह स्केटिंग करते हुए आगे हो, कुछ थकावट नहीं, कोई गिरे नहीं रास्ते में, किस तरह से? ऑफ कोर्स उसके लिए पहले हमने अपने स्टेमिना को बढ़ाया और उसके बाद जो है ना अपनी स्केटिंग को स्टार्ट किए। ये अभी आपको सांस तो चढ़ रहा है? अभी हाँ, थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैंने जो आप लोगों ने मुझसे जंपिंग करवाई है, ऑफ कोर्स इस चीज़ में सांस चढ़ते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल चल रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो है ना नॉर्मल स्टेमिना होती है, उसमें उतना सांस नहीं चढ़ता। अच्छा बिलाल, मुझे बताएं कि ये कोई रिकॉर्ड भी बनाया है आपने खुंजराब पास से इस्लामाबाद तक स्केटिंग करते हुए आ गए? लोग गाड़ियों पर भी आते हुए थक जाते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप है? इंटरनेशनली कोई रिकॉर्ड बनाया? सबसे पहले तो ये हमारा जो है ना स्केटिंग पे एक मुनफरिद जो है ना रिकॉर्ड है। चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद बहुत कम वक्त में हम पहुंचे हैं और क्योंकि अगर आप देख लें तो स्केटिंग में ये आठवां अजूबा है कराकरम हाईवे पे KKH में हमने जो स्केटिंग की है, तो ये तो बिल्कुल हमारे तर्ज पे एक नया रिकॉर्ड है स्केटिंग में। और कोई भी गोरा, कोई भी दूसरा बंदा ये चीज़, क्योंकि वहाँ पर आप अंधे पहाड़ी मोड़ है और इतने खतरनाक रास्ते कि 24 घंटे लैंड स्लाइडिंग का खतरा है वहाँ, तो वह गाड़ी पे भी जो है ना जाना इतना रिस्की है और मैंने वही रास्ता रोलर स्केट्स पे तय किया, तो ऑफ कोर्स ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। अच्छा ये बताएं बिलाल कि ये इतना एक्सपर्ट बनने में, सीखने में कि आप स्केटिंग करते हुए जंपिंग भी कर रहे हैं साथ, कितना टाइम लगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये शौक जुनून में कैसे बदला, कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक्चुअली इसके लिए अगर कहा जाए तो अनलिमिटेड मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज एक दिन में, एक महीने में और एक साल में इस तरह जो है ना आप नहीं ट्रेन हो सकते। ऑफ कोर्स पहले हमने जो है ना स्मॉल टारगेट्स अचीव किए, देन हमने बिग 100, 110, 300 और फिर जो है ना चाइना बॉर्डर का जो रिकॉर्ड कायम किया, तो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना रिकॉर्ड होती है। अच्छा ये बताएं कि इसका स्कोप कितना है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड? जो पाकिस्तान में बच्चे शौकीन हैं वो छोटी मोटी स्केटिंग तो करते हैं लेकिन कोई इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेके चलता, स्कोप है कोई? इंशाल्लाह आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होगा और अपनी जो है ना एफर्ट कर रहे हैं। अभी संडे को हमारा मेगा इवेंट होने वाले फ्रेंड पार्क में, तो उस हवाले से हम काम कर रहे हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से वो नहीं आ पाते, क्योंकि एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा है आना जाना, रहना खाना पीना, और इस महंगाई के दौर में कुछ स्टूडेंट आ रहे कुछ नहीं आ रहे। तो मैं कोशिश हो कि इस चीज़ को जो है ना नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मुकाबलों में अगर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें तो ये हमारे लिए जो है ना पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। अच्छा ये बताएं कि स्केटिंग करते हुए, कुछ हमने आपकी वीडियोस भी देखी, कभी आप जो है वो उलझ रहे होते थे किसी के साथ, कभी आपके साथ मोबाइल पे स्कैम भी होता रहा, तो लोगों का रिस्पॉन्स और इस तरह के हर्डल्स उनके बारे में भी बताइएगा। लोगों का अगर मैं कह जाऊँ कि पाकिस्तान में जो है ना अगर आप एक कॉमन पर्सन है तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा जो है ना मुश्किलात है। मेरी खुद ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा कि
कुछ पुलिस अधिकार जो कि कानून का हम सब एहतराम करते, कोई कानून से बालातर नहीं है, लेकिन जब वही इंसान आप कानून को हाथ में लेगा और अपने जो है ना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा, ऑफकोर्स उसके खिलाफ बोलना हमारा बनता है। जो स्कैम्स होते हैं तो ऑफकोर्स इस हवाले से, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ तो लोगों को इस बारे में अवेयरनेस भी देता हूँ कि अगर कोई आपके साथ स्कैम करे उस हवाले से अवेयरनेस, क्योंकि गरीब लोग होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ जो है ना गलत ना। सर ये भी आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट्स हो रहे हैं। नो मेरे मिलियंस पे व्यूज हैं और मेरा 14 मिलियन की मेरी एक वीडियो थी चाइना बॉर्डर से, सॉरी इस्लामाबाद से लाहौर, जो कि मैंने खुद डिलीट की, क्योंकि अगर मैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाऊं या किसी होटल पे जाऊं तो मुझे लोग मिल जाते हैं, आप तो वही बिलाल है जो यहां से वहां गए। उस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा तंग हो गया था कि उस चीज़ को मैंने वीडियो को ही मैंने वहां से, क्योंकि 14 मिलियन से अबव जो है ना वो वायरल हो गई तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उस चीज़ को मैंने खुद जो है ना डिलीट किया और इस चीज़ का स्क्रीन शॉट, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे साथ पड़ी, वो भी क्योंकि पब्लिसिटी जो है ना, हाँ जो लोग नहीं वायरल होते उनके लिए वायरल होने का चीप वो रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन जो एक बंदा वायरल, उसको पता है कि वायरल होने के बाद जो जिंदगी मुश्किल होती है, आपकी पब्लिक मकामात में जाना बंद हो जाते हैं, अगर आप फैमिली के साथ होते हैं और फिर गैर लोग आते हैं जो आपके फैंस हैं, ऑफकोर्स आप उनको मना नहीं कर सकते, तो उस हवाले से थोड़ा सा फिर आपको इरिटेशन शुरू हो। जैसे अगर आपको कि मैम आपको मैंने फलां जगह पर देखा, बार बार लोग आपसे पूछेंगे 2-3 दफ़ा तो अच्छा लगेगा, फिर आपके लिए कहे कि यार ये क्या लाइफ है, हर जगह बंदा इंटरप्ट करके जो है ना, पर्सनल लाइफ कोई नहीं रहती। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और आप पाकिस्तान में इस अगर रोलिंग स्केटिंग को कामयाब कराने में, नौजवानों को इस तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी। ये थे जी बिलाल अखुंदजादा, इनका शौक जो है वो इनका जुनून बन चुका है और ये स्केटिंग करते हुए पहाड़ी इलाके कुंजराब पास से चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद तक पहुंचे और आगे इनका फर्दर एक्सप्लोर करने का मूड भी है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।